शाम को अगर मुझे टाइम मिलेगा लक्की को लेके ना, मैं सामने उस वाले पहाड़ पे जाऊंगा, वहां से मेरा गांव ना बहुत प्यारा दिखता है। हे गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं भैया के पास में यहाँ पर रुका हुआ था, यहाँ पर मैंने खाया छोले चावल और अभी आज मैं जाऊंगा घर, क्योंकि मेरा घर पे काम। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत बड़ी लेट कर रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है तो निकल पड़ते हैं कैमरा उठा के ब्लॉग बनाने के लिए। बाकी 900 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, वेरी वेरी थैंक यू आप सभी लोगों को। आप लोगों ने बहुत जल्दी से कर दिए, बट आप लोगों का प्यार है जो बहुत आगे लेके जा सकता है। एक्चुअली बहुत टाइम से ना लग रहा था छोड़ दूँ यूट्यूब छोड़ दूँ, बट अभी थोड़ी सी 900 हुए हैं तो उम्मीद हुई है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे लेके चले जाएगा। क्योंकि एटलीस्ट यार, जब हम मेहनत करते हैं ना, लोगों को लगता है कि बंदे के मज़े हैं यार, बाइक पकड़ रखी है और घूम रहे हैं मज़े से, काम हम है कुछ नहीं। बट हम जानते हैं भाई, हम लोगों की ज़िंदगी कैसी EMI में निकल रही है। बाकी आप लोगों का साथ रहा तो यार बहुत जल्दी ही हम लोग 1K पूरे करेंगे और 1K का स्पेशल वीडियो आएगा। इस रोड में कीचड़ तो यार इतना रहता है कि पूछो मत, बहुत। ये पता नहीं कब सही होगा, नहर में पानी तो चालू कर दिया इन लोगों ने, बट अभी भी इस पे है थोड़ा बहुत। और मुझे फ्यूल भरवाना पड़ेगा। 3 o'clock अभी हो चुका है, गर्मी का एहसास एकदम पावर तरीके से होने लग गया है यहाँ पे। और ये ऑटो वाला देखो, इतना लोडेड सामान लेके कहाँ जाएगा भाई, अगर पलट गया तो क्या होगा। एक तो उसकी छत पे इतना सामान रखा हुआ है, अंदर सारे भरे पड़े हुए। और यहाँ पर हो रहा है काम, ये बिजली का पोल में भी काम करते वक्त टूट गया था, तो ये लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे काम। सही है भाई, और उधर चढ़ा हुआ बंदा आम के पेड़ पे, इधर हो रहा काम। थोड़ी देर गाड़ी रोकनी पड़ेगी यहाँ पे, अब जाने के लिए बोल रहे, पहले रोकने के लिए बोल रहे, अब जाने के लिए बोल रहे। ओए ओए निकल गई, चलो ये जो ऊपर वाला रास्ता है ना, ये पनियाली को जाता है, ये खटघरिया चौराहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके इस साइड में ना टोटली हिली एरिया है यार, और जो ये वाले पेड़ रहते हैं ना, ये मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, मस्त। बिल्कुल नीचे से क्लीन रहता है, ऊपर इसमें छांव के लिए रहती है। और वैसे ग्रीनरी तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और स्कूल के बच्चा लोगों की हो चुकी है छुट्टी, आराम से बच्चा लोग, आराम से आराम से आराम से। ऐसा ना बच्चा लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये क्या करता है ना, अचानक से आ जाते हैं बीच पे, तो ऐसा लगता है कि यार हमें सेफ चलना चाहिए।
भाई जी जबरदस्ती काहे को आ रहे हो इधर वाली लाइन पे। आज एटलीस्ट जो मेरा काम था वो हो नहीं पाया और गाड़ी वाला भी मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे कुछ सामान भेजना था घर के लिए। अब तो मुझे कल मॉर्निंग पे ही फटाफट खुद आके गाड़ी वाले के साथ पे वो काम निपटाना पड़ेगा। टाइम पर ना गर्मी पर रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़्यादा स्पीड पर चलने का यही डर लगता है कि अचानक से कोई टायर वायर ना फट जाए, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो ना पीछे वाला टायर तो वैसे ही ताकत लगाता वैसे ही गर्म रहता है और जो ये गर्म हवा आ रही है ना एकदम खतरनाक आती है तगड़ी वाली, थोड़ी सी सेलो करनी पड़ेगी। नहीं है गर्मी तो बहुत ही बढ़ गई यार आज बहुत ज़्यादा, रोड से भी ऐसा ना वो आ रहा भपका खतरनाक गाड़ी चलाने में भी। चलो फिर संतोष मिलते हैं आपसे हैं। चाय भाई कुछ नहीं यार अभी चलते हैं। इस वाले एरिया पर देखो यार सारे पेड़ कट गए हैं, पता नहीं क्यों कट रहे हैं, यहाँ पर कुछ बन रहा है या रिप्लांटेशन होगा आई डोंट नो, बट ये जो पेड़ उखाड़े हो ना इससे ना इधर के क्या ही बताओ यार, सारा जंगल एटलीस्ट ने पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया यार पूरा। इतना सारा जंगल के पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है ना यार, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार इतने सारे पेड़ काट दिए यार। लोग ऑक्सीजन खरीदते हैं, चलो भाई मानते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों तो इतना पेड़ भी नहीं काटना चाहिए ना, वही है ना यार भाई कोई बोलने वाला है नहीं, गवर्नमेंट जिसकी है वही करेगा सब कुछ कर सकता है, पेड़ भी काटो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इंसान ज़रूरत के लिए भी नहीं काट पाए और ये लोग अपना पूरा जंगल काट के रख दिया है। बाकी तो क्या लगता है आप लोगों को यार गर्मी का क्या रहने वाला है, इस बारी तगड़ा सीन रहने वाला है मुझे लगता है ना, क्योंकि होली के बाद से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है पूछो ही मत, बहुत तगड़ी गर्मी हो गई है इस बारी है ना। और ये अभी जो साल के पत्ते दिख रहे हैं ना ये बटोल के भी ले जाते हैं लोग घर के लिए, ताकि इन पर क्या होता है ना जब अदरक लगती है तो अदरक के ऊपर भी डालते हैं इनको, और बाकी जो गाय बच्ची होती है ना उनके नीचे बिछाने के लिए भी यूज करा जाता है, और गोबर भी अच्छा बनता है अगर ये बाद में सड़ जाती है तो ना इसकी पत्तियाँ इनका गोबर भी अच्छी बनती है, खाद बनाई जाती है जिससे फसल में डाला जाता है और इसके गोबर को मतलब मिक्स होता है उसमें गोबर होता है और ये भी सड़ जाते हैं तो अच्छा खासी खाद बन जाती है। आज ना जुकाम की वजह से ना पूरी नाक मतलब जाम हो रखी ब्लॉक हो रखी है, आवाज़ भी मोटी मोटी आ रखी है, और ये बीच में इस पता कितनी प्यारी सी रोड हो चुकी थी अभी हाल ही में इसमें वो क्या कहते हैं निहाल खुली थी ना, निहाल इधर नदी है मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, वहाँ से रेता लाते हैं तो पूरी रोड ही बेकार कर दी। अब जाके थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो रहा है ऊपर से क्योंकि पेड़ है तो नीचे तक धूप नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ी बहुत मौसम अच्छा लग रहा है क्योंकि साल के इतने ज़्यादा घने पेड़ है ना, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना उनके पत्ते थोड़ा चौड़े चौड़े होते हैं तो धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है इधर पे। अगर पैदल चलते हैं तो ना धूप बहुत तगड़ी लगती है इधर पे, पहले बहुत स्ट्रगल था यहाँ पे आगे फतेहपुर जो जगह मैं बताता हूँ ना हमारे वहाँ से उधर सब तक पैदल आना पड़ता था, कुछ गाड़ियाँ थी लिमिटेड एक दो गाड़ियाँ, अभी जाके तो घर घर तक इधर पर रोड है, पहले बहुत स्ट्रगल होता था यार हिल एरिया पे ना, शहरों पे क्या होता था घर वो शहरों पे इतनी दिक्कत नहीं होती थी और पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी उस टाइम पे, रोड देख रहे हो कहाँ से डालो हो रही यार आज सच में बड़ी गंदी सी हो गई है, क्योंकि जो है सारी दिख रही होगी ना आपको ऐसे ऐसे करके रोड ही है वो पतली वाली रेता वो टायरों के नीचे आती है तो फिर और ज़्यादा रोड खुद जाती है, मतलब ऐसे ऐसे करके ना छिलते रहती है रोड में गड्ढे और तगड़े होते रहते हैं,
और आगे आने वाला उल्टा बैंड, पता है उसका नाम ही उल्टा बैंड रख दिया, पता नहीं क्यों वो बैंड बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है दोनों साइड को काटने में उल्टा सा। ये है उल्टा बैंड, इसको पता नहीं क्यों उल्टा बैंड नाम दे दिया। मैं हमेशा इस वाले रास्ते से जाता हूँ ना, और इस वाले से भी आया हूँ। अभी आपको मैं बसानी में ना एक रास्ता और दिखाता हूँ जो उसी रोड पर मिलता है, मतलब पहले ना सबसे पहला वाला रोड वही था, तो मैं उसको आज दिखाऊंगा आपको। उस वाले में ना पहले दुकानें भी थी बहुत सारे, और जो मेरे कुछ फ्रेंड लोग से हैं उसी वाले रास्ते पर पड़ते हैं, तो हमेशा मैं ये लेफ्ट लेता हूँ, तो आज ये राइट लूँगा। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा कच्चा है, फिर आगे से फिर सीसी है। आज मैं सच में यहाँ से बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, एटलीस्ट 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका होगा मैं इस रास्ते से कभी नहीं आया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस रास्ते से आ रहा हूँ, और इस बीच में तो यहाँ पे मतलब बहुत प्यारे प्यारे घर भी बन चुके हैं, और जो ये पेड़ है ना रास्ते के साइड में, और आपको गेहूं की फसल दिख रही, कितनी प्यारी से हो रही है यार, है ना। आप किसान लोगों का यही है भाई, अपनी खेती बाड़ी मस्त करके। सबसे पहले ना इधर से ऑटो ऑटो आते थे, अभी तो यहाँ पे एटलीस्ट बहुत अच्छा हो चुका है यार। लेकिन ना एक बात कहे ना, जो पहले काम हुआ था ना इसमें बहुत तगड़ा अच्छा काम हुआ था, क्योंकि ये सीसी ना बहुत टाइम पहले बनी हुई थी और अभी तक ये खराब नहीं हुई है। यहाँ पर देखो पेड़ों के बीच से कैसे निकलते हैं मस्त करके, दोनों साइड से, एक साइड से दालचीनी के पेड़ हैं और एक साइड कटहल के पेड़ बिल्कुल छोटी छोटी, और इसका बनाया जाता है झाड़ू, लोकल लैंग्वेज में इसको आंस बोलते हैं, अभी पता नहीं आप लोग के उधर पे क्या बोलते होंगे इसको। बड़े बड़े ब्रेकर बनाए हुए हैं ताकि रोड ना बहुत छोटी छोटी है ना पतली सी। अभी अभी ना आपको इधर की हरियाली में फ़र्क दिख रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी पतझड़ होना स्टार्ट हो जाता है बसंत ऋतु पे ना, जैसे ये हमारे इधर पे फूलदेही का त्यौहार होता है, उसके बाद से मतलब माना जाता है कि पतझड़ स्टार्ट हो जाता है, और अभी रियली में पतझड़ होता है, बट ये ऋतु में भी बसंत ही कहते हैं इस ऋतु को, तो इस टाइम से मतलब पतझड़ स्टार्ट हो जाता है, तो अभी कुछ टाइम पर सारी हरियाली ख़त्म हो जाएगी और आपको भी इधर सूखे सूखे पेड़ मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि ये पतझड़ हमेशा के लिए रहता है, ये तो एक टाइम होता ही है। यार रॉयल इनफील्ड में ना सब कुछ अच्छा है, लुक वाइज कहो, पिकअप देख लो इसका, और इसकी पावर भी अच्छी है, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम बना रखी है ना, इसका फ्यूलिंग का सिस्टम समझ में ही नहीं आता कि फ्यूल एटलीस्ट इसमें बचा कितना है यार। एटलीस्ट डंडे वाला होता है ना समझ में आता है, लेकिन क्या करें रॉयल इनफील्ड की यही तो बात है भाई, हर किसी के समझ में ही नहीं आती ना। मैं पहुंच चुका हूं घर के करीब, और शाम को अगर मुझे टाइम मिलेगा लक्की को लेकर ना, मैं सामने उस वाले पहाड़ पर जाऊंगा, वहां से मेरा गांव ना बहुत प्यारा दिखता है, अगर मौसम ये धुंध धुंध थोड़ी कम रही तो मैं आपको वहां से दिखाऊंगा। ठीक है,
ये देख सकते हैं जो उस वाले रास्ते से गई है ना, वहां से गया नैनीताल के लिए, और सामने भी एक गांव है, देखो गाड़ी दिख रही होगी, इधर से पूरा है अपना, इस वाले पे जो कटी है ना, ये चट्टान है, चट्टान बड़ी तगड़ी है। तो अभी मैं डायरेक्टली चलता हूँ घर को, और शाम को देखते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत काम होगा, और घर पर ऐसा रहता नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि टाइम का रहता है यार मेन तो, है ना। और पहले ना जब हम छोटे थे ना, नीचे सामने भी दिखाता हूँ आपको, जब हम छोटे थे ना, सामने वाले पर हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ था, लेकिन बॉल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि अगर किसी ने सिक्स मारा तो जाके इधर बड़े, अभी दिखाता हूँ यहाँ से, ये नीचे वाले क्षेत्र में आ जाती थी, देखो कितनी खतरनाक है सीन यहाँ से बिल्कुल। तो फिर मतलब दो तीन बॉल लेके आनी पड़ती थी हमें कभी भी आओ तो। अपने घर का जो सबसे पावरफुल रोड है ना, वो यही है, इस रोड पे तो आधे लोग तो इधर ही खड़े करके जाते हैं, घर तक मैं लेके चले जाता हूँ, लेकिन पता है जो अपने यहाँ पर नौला है ना, वहाँ पर मेरी गाड़ी नीचे टकरा जाती है, तो मैं उधर लेके ही नहीं जाता घर पे। मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी बैक करनी पड़ती है, क्योंकि ना यहाँ पर से रास्ता नहीं है, थोड़ी सी एक पतली पगडंडी है, उस पगडंडी से लेके जाना पड़ता मुझे यहाँ पे। शाम को देखेंगे अगर नदी का बनेगा। देखो सामने सूरज मस्त नीचे को फसले लगी हुई प्यारी सी, और अभी वॉक करके चलते हैं घर। तो यार सीन ऐसा हो गया था, मिस्त्री साहब आए हुए थे, थोड़ा कुछ काम वाम करने में लग गया, और अभी बिल्कुल डार्क अंधेर हो चुका है चारों साइड, आप देख सकते हैं, अभी तो लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट आ चुकी है, और हवा चल रही है टेरिस पे, ठंडी ठंडी, गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पर मज़े ही है, और पूरा वो सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं ना, ऐसा लगता है कि किसी ने ढका हुआ है हमको चारों तरफ से मस्त करके, और इधर टेरिस में आने के बाद जो फील होता है ना, क्या ही बताओ यार। अभी उधर सारी लाइटें नहीं जली है ना, नहीं तो आपको दिखाता यार, अच्छा कैमरा नहीं है ना, बस नॉर्मल सा कैमरा है, उधर तक पकड़ेगा नहीं, अदर यहाँ से दिखाता वहाँ के नज़ारे, क्या ही गजब। मॉर्निंग के नज़ारे तो आपने देखे हैं, और अभी देखो थोड़ी बहुत काम वाम करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो अभी हो चुका है 9 o'clock, आज मेरा छत पर सोने का प्लान था, बट प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि सामने से आ रही है टाइगर की गुर्राने की आवाज़ बड़ी तगड़ी वाली, तो मैं अभी बिस्तर अपना समेट के नीचे चले जाऊंगा कमरे पे। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई के हो चुके हैं 900 सब्सक्राइबर, जल्दी से जल्दी 1K करा दीजिए, और मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय। Thank you.